वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। मित्रों महादेव नमः। आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम प्रयागराज यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग आपके सामने महाकवि विल्हण के विषय में पढ़ेंगे और उनकी रचना विक्रमांक देवचरितम के सामान्य परिचय पर भी अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं महाकवि विल्हण के सामान्य परिचय की तरफ। तो महाकवि विल्हण के विक्रमांक देवचरितम के अंतिम सर्ग से उनके विषय में और उनके वंश परिचय के विषय में थोड़ी बहुत कुछ जानकारी मिलती है। ग्रंथ के अनुसार विल्हण का वंश परिचय यदि हम देखें तो उसके विषय में कुछ इस प्रकार जानकारी मिलती है हमें। ग्रंथ के अनुसार उनके पिताजी का नाम ज्येष्ठ कलश, जो कलश के राज्यकाल में कश्मीर से कर्नाटक देश में आकर आगे राजा परमाद के पास बस गए थे। उनकी माता जी का नाम नागदेवी था। उनकी आशयदाता कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ उनके आशयदाता थे। उनकी उपाधि विद्यापति थी। इस महाकाव्य की प्राप्ति का श्रेय डॉक्टर हीलर को है। उन्हें यह ग्रंथ जैसलमेर में गौड़वहो ग्रंथ के साथ ही मिला था। यदि इस ग्रंथ का सामान्य परिचय देखें विक्रमांक देवचरितम था, इसमें सर्ग 18 हैं। इसकी रचना काल लगभग 1088 ईस्वी के पूर्व और इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। इस महाकाव्य में राजा विक्रमादित्य षष्ठ के पिता अहवमल्ल की मृत्यु, राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह, चोलों की कथा का आदि इत्यादि का विस्तृत वर्णन है। यदि इसके विषय में चंद्रलेखा से विवाह, चोलों की पराजय और घटनाओं का उल्लेख है। इस ग्रंथ द्वारा दक्षिण भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का भी पता चलता है। उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का भी इस ग्रंथ में पर्याप्त जानकारी मिलती है। उनकी कविता में प्रसाद माधुर्य गुणों का पता चलता है। उनके काव्य में ऐतिहासिकता गौण है जबकि कवित्व प्रधान है। इनके काव्य में अनेक सुंदर सुभाषित रत्न हैं। कवियों का ही प्रभाव है कि वह किसी व्यक्ति को अमर कर देते हैं। तो वाल्मीकि कवि ने ही राम को अमर बना दिया और कवियों के अपमान के कारण ही रावण राक्षस बन गया। इस विषय में कारिका भी प्रसिद्ध है। विक्रमांक देवचरितम में लंकापते संकुचितम यशोयत, लंकापते संकुचितम यशोयत, यत कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्रा ससर्व एवादि कवे प्रभावो, ससर्व देवादि कवे प्रभावो, ना कोपनीया कवया छितेन्द्रै। धन्यवाद। इसमें इतना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा।